पीएम मोदी ने टीएमसी पर साधा निशाना, तो पीएम पर भड़क गई ममता बनर्जी, बोली आप देश कैसे चलाएंगे। इस चुनावों में टीएमसी ने कैसा खूनी खेल खेला ये भी देश ने देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भड़की हुई हैं। न सिर्फ भड़की हुई हैं, बल्कि ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए निशाना भी साधा है। यहां तक कि ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी बिना किसी सबूत के बोल रहे हैं और वो चाहते हैं कि आम लोगों को परेशानी हो। आगे ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नहीं बोलते, क्योंकि आप पीएम केयर फंड, राफेल डील और नोटबंदी ऐसे मुद्दों से खुद घिरे हुए हैं। आप कभी कभी लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन हर समय नहीं। ममता ने आगे कहा, अपने ही उन लोगों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं करते जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, पहलवान पर अत्याचार, मणिपुर में अत्याचार के मामलों में शामिल है। राज्य में 16 से 17 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन पीएम मोदी चुप है, ये कहना है ममता बनर्जी का। इसके साथ साथ ममता बनर्जी ने आगे कहा, लोगों को मानवता का संदेश देने के बजाय प्रधानमंत्री ने एक छोटे से कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल को बदनाम करने का फैसला किया। मैं बंगाल को याद करने के लिए व्यक्ति को नहीं, बल्कि पीएम की कुर्सी को धन्यवाद देती हूं। उन्होंने यहां केवल बीजेपी नेताओं को संतुष्ट करने के लिए बंगाल का अपमान किया है। 100 दिनों के काम योजना के तहत गरीब लोगों की मजदूरी रोक दी गई है। तो वहीं मणिपुर का जिक्र करते हुए ममता ने कहा कि मणिपुर पिछले 100 दिनों से जल रहा है। अगर प्रधानमंत्री मणिपुर जैसे छोटे राज्य में कानून व्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो पूरे देश को कैसे चला सकते हैं? अगर वो बंगाल को बदनाम करते हैं और धमकाते रहते हैं, तो वो देश को कैसे चला पाएंगे? चलिए अब आपको पीएम मोदी का वो बयान भी सुना देते हैं जिससे ममता बनर्जी इतना भड़की हुई है। अभी अभी वहां पंचायत के चुनाव हुए, इस चुनावों में टीएमसी ने कैसा खूनी खेल खेला ये भी देश ने देखा है। पहले चुनाव में इनका तरीका क्या है, पहले तो चुनाव की तैयारी के लिए समय मत दो, बहुत ही जल्दी जल्दी फॉर्म भरने की तारीख घोषित कर दो, फिर कोई भी विरोधी दल का, कोई भी बीजेपी का व्यक्ति पर्चा ही न भर सके, इसके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करो। पीएम मोदी और ममता बनर्जी के बीच तनातनी ऐसे समय में हुई है जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2024 में राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 35 जीतने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के लक्ष्य को हासिल करने के तरीकों पर काम करने के लिए राज्य के दौरे पर है और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही है। लेकिन इसी बीच पीएम के बयान पर भड़की ममता बनर्जी लगातार पीएम मोदी पर जुबानी हमले कर रही है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।